आज की वीडियो में बात न्यूज 24 के पत्रकार संदीप चौधरी की करेंगे। आज हम आपको उनकी ऐसी डिबेट्स दिखाएंगे जिनमें एंकर ने महंगाई, किसान आंदोलन से जुड़े मुद्दों पर भाजपा नेताओं से सवाल किया। न्यूज 24 पर देश में कोयले की कमी के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर संदीप चौधरी ने भाजपा प्रवक्ता से बिजली के दाम बढ़ने की संभावना पर सवाल किया, जिस पर प्रवक्ता विपक्षी पार्टियों की आलोचना करती रही, लेकिन एंकर ने उन्हें ऐसा करने से टोक दिया। देखिए, आम आदमी 97% की तो वो खुद मानते हैं कि हमारी कमाई कम हुई है। इस त्योहार के मौसम में क्या बिजली के बढ़े हुए दाम के लिए हम तैयार हो जाएं? जी संदीप, मैं गौरव वल्लभ से पूछना चाह रही हूँ। ये सूट बूट की सरकार की बात कर रहे थे कि वो पार्टी है जिसने नीलाम करी है और टेंडर को प्रोसेस को रोककर अपने दोस्तों को घर बुलाकर फाइनेंस मिनिस्ट्री में बाकायदा कोयले की खदानों को अपने दोस्तों में के साथ बंडर बांट किया है। तो आप अपना मुंह कमी खोलिए तो ज्यादा नहीं, आपको चुन लिया ना, दूसरी बार चुन लिया, अब बिजली के बड़े हुए दाम देने होंगे क्या? कंक्लूडिंग कमेंट ना दीजिए। और रीना जी को बता दूं, बाद में आई है, नहीं नहीं आई है, आम आदमी पार्टी में, इनको बता दें पूरा अन्ना हजारे आंदोलन इसी करप्शन पर, इसी कोलगेट के खिलाफ था। आम आदमी को बिजली के बड़े हुए दाम देने पड़ेंगे क्या आने वाले दिनों में? तैयार हो जाए उसके लिए। शाजिया, आपसे सवाल है। देखिए मैं बिल्कुल इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकती, मुझे बिल्कुल भी इसका कोई अंदेशा नहीं है। महंगाई के मुद्दे पर न्यूज 24 पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर संदीप चौधरी ने आम आदमी को महंगाई से राहत देने पर सवाल किया, जिस पर प्रवक्ता सरकार के आंकड़े देने लगे, पर एंकर ने उन्हें सही से जवाब देने को कहा। अगर आप ये मुझे कहोगे कि 80 करोड़ के लोगों को आपने जो फ्री राशन दिया, तो 80 करोड़ लोगों के पास राशन की कमी थी ना, तभी तो उनको दिया ना। तो इसका मतलब भुखमरी एक समस्या है ना, मैं आप ही के लॉजिक पर जा रहा हूँ। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अन्न की दरकार है, तो इसका मतलब देश में भुखमरी एक बड़ी समस्या है ना। 5 किलो अनाज ना मिले हर महीने, तो वो भूखे पेट ही सोएंगे। समाधान के लिए हमने क्या किया, वो अगर 80 करोड़ लोगों को, 140 करोड़ लोगों को तो राशन नहीं दिया, 180 करोड़ 80 करोड़ तो बड़ी वो होती है ना। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये कह रहा है कि 20 करोड़ भारतीय भूखे पेट सोते हैं, ये संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है। नहीं, ये इस बात से मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि मनरेगा में SDRF में कलेक्टर को जिम्मेदार दिया है कि कोविड के कारण, त्रासदी के कारण कोई भूखा नहीं मरेगा। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर हुई डिबेट में एंकर ने भाजपा सांसद को घाटी में हुई आतंकवाद की घटना पर जवाब देने को कहा, जिस पर सांसद ने सरकार द्वारा एक्शन लिए जाने की बात की और विपक्ष पर उंगली उठाने लगी, जिस पर संदीप ने उन्हें अपने सवालों में घेर लिया। बल के साथ कहना चाहूंगी कि मुस्लिम मेजॉरिटी के द्वारा यह प्रेरित नहीं है, यह पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के द्वारा यह प्रवर्तित है। मुझे लगता है हम सब इस बात को मानते हैं और नागरिकों की हत्या के मामले को हम लोगों ने NIA को दे दिया। ये तो देखिए, ये पुराना रटा रटा जवाब है, किसी भी सरकार का होता है। आतंकवादी वारदात को अंजाम दिया जाता है, पराजिता और पाकिस्तान का ब्लेम। पाकिस्तान है, षड्यंत्रकारी है, साजिश करता है कि 2 साल अगर आतंकवाद पर नकेल कसी तो 12 दिन में 11 सिविलियंस मर गए, उनकी मौत हो गई, हत्या कर दी गई और 9 हमारे सुरक्षाकर्मी, हमारे सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए। विगत 2 सप्ताहों में हमारे सुरक्षा बलों ने 9-9 अलग मुठभेड़ों में, अलग अलग मुठभेड़ों में 13 इस्लामिक आतंकवादियों को मार गिराया है, अभी कुछ दिनों की बात है। किसान आंदोलन के मुद्दे पर न्यूज 24 पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर संदीप चौधरी ने भाजपा प्रवक्ता को सरकार और किसानों के बीच रुकी बातचीत पर सवाल किया, जिस पर प्रवक्ता बात को गोल गोल घुमाने लगे, पर एंकर ने ऐसा होने से रोक दिया। किस बात की जिद है कि MSP को कानून नहीं बनाती सरकार? सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं कि अगर ये मसला था कि सिर्फ MSP पे बात करनी है, तो ये कानून को देखिए, चर्चा तो कानून के बारे में हो रहा है और इसको पॉलिटिकल जो है इश्यू बना दिया गया है। हम किसान भाई बहनों के साथ खड़े हैं, हमारी पूरी सरकार खड़ी है। अब कानून को एक मुद्दा बना के पहले कानून वापस लो। कानून में तो प्रशासनिक आदेश है ना, अगर आप कहते हैं स्वामीनाथन आयोग लागू कर दिया, C2+50 लागू नहीं है ना जफर भाई, ये भी एक हकीकत है ना। जब आप कहते हैं स्वामीनाथन आयोग लागू कर दिया, नहीं है ना, आप बताइए। तो वो मैं आपसे पूछता हूँ, आपको भी जानकारी है, कुछ जमीन जानकारी, क्या वो फॉर्मूला क्या पॉसिबल है? जमीन कोई गांव में रहती है, कोई शहर में रहती है? बोलते हैं आपकी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू कर दी, वो लागू नहीं है ना दोनों एक, तो ये एक कौन दुरुस्त करेगा? CACP दुरुस्त करेगा ना, सरकार दुरुस्त करेगी। आपको संदीप की डिबेट्स कैसी लगी हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ
यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।